जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। जबरदस्त खबर आई है अभी और पाकिस्तान बिदक गया है। यकीनन आपने भी ये खबर सुनी जरूर होगी, लेकिन आज हम इस खबर का एनालिसिस करने वाले हैं पूरे का पूरा। आखिर क्यों भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे भारत में जो विपक्ष है उसको बड़ी दिक्कत हो रही है पाकिस्तान से ज्यादा, क्या है इसका कारण? कारण तो एक ही हो सकता है, वो है हिंदू धर्म से संबंधित कोई निर्णय, क्योंकि विपक्ष और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इसी से दिक्कत है। तो आज जानेंगे इस खबर में कि आखिर क्या है इसका उद्देश्य, इससे क्या फायदा होगा भारतीय हिंदुओं का, भारतीय संस्कृति का, और पाकिस्तान इस पर क्यों परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे तो आप जानते ही हैं, उम्मीद करते हैं आज का बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कई दिनों से आप बदलते हुए बैकग्राउंड देख रहे हैं तो आपको भी गुस्सा आ रही होगी, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एक खबर जुड़ी हुई है 1600 साल पुराने मार्तंड सूर्य मंदिर से, जिसको लेकर के सरकार ने अगले सप्ताह बैठक बुलाई है और एक जबरदस्त नोटिस जारी किया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर संस्कृति विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में सम्राट ललितादित्य मुक्त पीठ की स्थापना के साथ ही कश्मीर में प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार के मामले पर चर्चा की जाएगी और यह जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि इस मंदिर की श्रीनगर से दूरी मात्र 63 किलोमीटर है, इसके बावजूद इस मंदिर को इतना नुकसान पहुंचाया गया है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो मंदिर खत्म ही हो गए, लेकिन मार्तंड सूर्य मंदिर को यहां के कट्टरपंथी मुसलमानों ने भरसक नष्ट करने का प्रयास किया है। और तो और, इसको शैतान की गुफा या फिर शैतान का मंदिर नाम से इसको मुस्लिम यहां संबोधित करते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ग में हिंदू मंदिरों के लिए कितनी ज्यादा नफरत है। दोस्तों, इस बैठक में निदेशक अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय एसआई के अध्यक्ष सहित तमाम लोग इस बैठक में भाग लेंगे और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। आपको बता दें कि यह मंदिर न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके बावजूद इतिहास से लेकर के आज तक इस मंदिर पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार का माथा ठनका है, या यूं कहें कि जागरूक हो रहे हिंदुओं ने सरकार को यह ध्यान दिलाया है कि भाई हमारे भी मंदिर हैं, मस्जिदों और मदरसों को छोड़ो, अब हमारे मंदिरों की तरफ भी ध्यान दो, और अब वह हो भी रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा में कोणार्क मंदिर और गुजरात में मोढेरा मंदिर की तरह ही मार्तंड सूर्य मंदिर भी वह मंदिर है जो भगवान सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। अभी मैं जब ओडिशा गया था तो मैंने कोणार्क मंदिर की भव्यता को रिकॉर्ड किया था और आप लोगों को दिखाया भी था और आप लोगों ने उसको सराहा भी था और आप लोगों ने देखा था कि किस तरह वह सूर्य मंदिर हमारी सनातन विरासत का एक जीवित सबूत है। उसी तरह यह मंदिर भी प्राचीन सनातन काल की अमिट और आश्चर्यजनक स्थापत्य कला का एक उदाहरण भी है। फिलहाल ये मंदिर एएसआई के संरक्षण में है। और तो और, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यानी 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर हिंदू कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहाँ पर जाकर के उन्होंने रामायण का पाठ किया था, इस पर उस समय आसपास के कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका विरोध जताया था। अब बताइए भाई, हिंदू अपने मंदिर में जाकर के पूजा पाठ भी नहीं कर सकते? सोचिए, ये बीजेपी सरकार में हो रहा है जिसको हिंदूवादी सरकार कहा जाता है और अब 370 हट चुका है। सोचिए, 370 न हटा होता तब क्या होता। कट्टरपंथी मुसलमानों को प्रॉब्लम इस बात से थी कि यहाँ पर वो हनुमान चालीसा या फिर रामायण पाठ करते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज भी लहराया और तो और इस मंदिर की परिक्रमा भी की, इससे इनको परेशानी थी। इस मंदिर की स्थिति को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। अभी एक बॉलीवुड मूवी आई थी, कब आई थी ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका एक गाना है बिस्मिल बिस्मिल करके, उसमें शाहिद कपूर है, मूवी का नाम शायद हैदर है, वहां पर ये गाना फिल्माया गया था। इसके पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये यही मंदिर है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस मंदिर में गाने फिल्माए जा रहे हैं, उससे किसी को दिक्कत नहीं। और तो और जो गाना फिल्माया गया वो भी शैतानी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी बॉलीवुड ये बता रहा था कि ये शैतान का मंदिर है, इससे हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में बताई जाती है और इसका निर्माण करकोटा साम्राज्य में हुआ था। इसका निर्माण कश्मीर के तीसरे राजा ललितादित्य मुक्तपीठ के द्वारा कराया गया था। मार्तंड का हिंदी अर्थ सूर्य ही है, क्योंकि मार्तंड एक संस्कृत का शब्द है और इसके तोड़ने की शुरुआत 600 साल पहले हुई थी, जो कि 2024 तक चली आ रही है। और जल्द से जल्द अगर इसको सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो शायद यहाँ के आसपास के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं इसकी एक एक ईंट चुरा ले जाएं। इतिहास में हमें जिक्र मिलता है कि इस मंदिर को हिमालय का गौरव कहा जाता था। आपको बता दें कि इस मंदिर को सिकंदर शाह नाम के इस्लामी आक्रांता ने तोड़ा था। तोड़ने का कारण बस ये था कि एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। इससे पहले यहाँ पर 8 मई 2022 को भी पूजा हुई थी, उसका दृश्य भी आप देख लीजिए, ये वीडियो देखिए आप, जो कि 2022 का है। आपको बता दें कि इस्लामी आक्रांताओं ने सोचा था कि इस मंदिर की एक एक ईंट को मिटा देंगे, लेकिन यह मंदिर इतना भव्य था कि इसको मिटाने के लिए इस्लामी आक्रांताओं को 1 साल लग गए, लेकिन फिर भी यह मंदिर वह पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। इसी बात से आप इस मंदिर की मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर है जिसका नाम मट्टन शिव मंदिर है और इसमें एक कुंड भी है और इस कुंड के अंदर ही शिवलिंग है। सोचिए अगर ये कश्मीर से बाहर कहीं मंदिर होते तो यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु जाते, लेकिन श्रद्धालुओं को तो छोड़ दीजिए, सेना पर भी यहाँ पर हमला कर दिया जाता है। तो कैसे एक आम नागरिक यह हिम्मत जुटाए कि वह अपने आराध्य देवों की स्तुति करे जा करके। हालांकि धारा 370 जो हटी है, अब आने वाले समय में यह मुमकिन जरूर हो सकेगा कि भारी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे और मार्तंड सूर्य मंदिर के अलावा शारदा पीठ भी मुक्त होगा, जल्द मुक्त होगा। इसके अलावा एक और फैक्ट है, वीडियो खत्म होते होते ये भी जान लीजिए और उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, शायद लंबा हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सिकंदर शाह मीरी ने, जिसने इस मंदिर को तोड़ा था, उसने आसपास के जो और हिंदू मंदिर थे उन सबको तोड़ा और उनकी ईंटों से कश्मीर में मस्जिदें बनवाई और उसने अपनी सेना को इन मंदिरों को तोड़ने के लिए उनकी जड़ों को खोदने को कहा और उन जड़ों के अंदर उसने लकड़ियां भरवा दी, जिनके बाद उन लकड़ियों में आग लगाकर उसने मंदिरों को तहस नहस कर डाला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसको इन मंदिरों को तोड़ने की सलाह एक सूफी संत ने दी थी और उस सूफी संत का नाम मीर मुहम्मद हमदानी था। वो कश्मीर को इस्लामी साम्राज्य बनाना चाहता था। क्योंकि उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह चाहता था कि इन पंडितों की सारी संपदा वह हथिया सके, इसीलिए उसने वहां सारे मंदिरों को तुड़वा डाला। इसके अलावा समय बदलता गया और ये मंदिर और क्षीण होते गए और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनके अवशेष भी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।